Big and very good news for Express Entry aspirants, especially healthcare workers. पहला Express Entry का Occupation Specific Draw कल ही निकाला गया कनाडा में, जिसमें 500 लोगों को इन्विटेशन एक्सटेंड किए गए हैं. आगे आने वाला फ्यूचर क्या है और बहुत से लोगों को अब अपॉर्चुनिटी मिलेगी आउटसाइड कनाडा इंडिया से डायरेक्टली पीआर पे जाने की विद देयर फैमिली टू कनाडा. इसकी पूरी डिटेल्स क्या है, एक तो मैं ये आपके साथ इस वीडियो में आज बताने वाला हूं और साथ में और कौन सी ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक ड्रॉज इन फ्यूचर में आने वाले हैं इसकी भी बात करूंगा. वेलकम आप सबका हमारे एमकेन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल के ऊपर. मेरा नाम प्रतिपाल सिंगल, मैं एक लाइसेंस और रेगुलेटेड कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूं. पिछले बहुत लंबे समय से मैं कनाडा इमिग्रेशन को डील कर रहा हूं और अलग अलग तरह की फाइल जिसमें स्टूडेंट वीजा भी है, स्पाउजल वीजा भी है, वर्क परमिट भी है, पीआर की एप्लीकेशन भी है और भी बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर हम रेगुलरली काम करते हैं. आपको कनाडा की किसी तरह की फाइलिंग की हेल्प चाहिए या कनाडा के अंदर आप माइग्रेट करने की सोच रहे हैं तो जरूर हमारी सजेशन आप ले सकते हैं. एक छोटी सी रिक्वेस्ट वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारा यूट्यूब का चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें. पहला ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक ड्रॉ अब आउट हो गया है जिसमें 500 एप्लीकेंट्स को इन्वाइट किया गया है. सीआरएस स्कोर कम होके 476 आ गया. आने वाले टाइम पे सीआरएस स्कोर और भी कम हो सकता है. इस पर्टिकुलर ड्रॉ के अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स को टारगेट किया गया, जिसमें जो फिजिशियंस, डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट असिस्टेंट्स, नर्सेज, नर्सिंग एड्स, मेडिकल लैब टेक्नीशियंस, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट और भी बहुत सारे ऑक्यूपेशंस के लोगों को इन्विटेशन एक्सटेंड किए गए हैं. जो बात की गई थी एक हफ्ता पहले, इमिग्रेशन मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की थी कि अब हम ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक ड्रॉज निकाला करेंगे और इसकी जो कंसल्टेशन थी पिछले बहुत लंबे समय से चल रही थी तो वो रियलिटी में अब प्रोसेस स्टार्ट हो गया है. नेक्स्ट मंथ 5 जुलाई को एक और ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक ड्रॉ निकाला जाएगा जिसमें 1500 लोगों को इन्विटेशन एक्सटेंड होंगे. वो ड्रॉ मेनली स्टेम वर्कर्स के लिए होगा, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के साथ रिलेटेड जो वर्कर्स हैं. तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं उन लोगों के लिए जो हेल्थ केयर के अंदर काम कर रहे हैं इंडिया में, और चाहे आपकी एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, आप ANM हो, GNM हो, आपने कोई डिप्लोमा किया है, आपने कोई डिग्री की है. सो वेरी गुड ऑप्शन एंड अपॉर्चुनिटी जो पहले नहीं होती थी. पहले तो आमतौर पर क्योंकि नॉर्मल जो ड्रॉज निकलते थे उसके अंदर सीयर स्कोर जिसका हाई होता था उसी को ऑप्शन मिलती थी. अब कैटेगरी स्पेसिफिक ड्रॉज में इवन लोअर सीयर्स के ऊपर भी आपको बहुत अच्छी ऑप्शंस रहेंगी कनाडा में डायरेक्टली पीयर पे जाने की, और विद फैमिली आप माइग्रेट कर सकोगे. अब जो नया ड्रॉ आएगा 5 जुलाई को, उसके अंदर अगर आप मैथमेटिशियन हो, आप कोई इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर काम कर रहे हो, आप IT में काम कर रहे हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, प्रोग्रामर हो, वेब डिजाइनर हो, तो बहुत से ऐसे लोगों को जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के साथ रिलेटेड है, इनकी बैकग्राउंड उनके साथ रिलेटेड है, उनको अब मौका मिलेगा नेक्स्ट ड्रॉ में डायरेक्टली कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू माइग्रेट करने का. और 1500 लोगों को टारगेट किया जाएगा और आने वाले समय में ये ड्रॉज और बढ़ते जाएंगे और बहुत से लोगों को अलग अलग ऑक्यूपेशन में, 6 मेन ऑक्यूपेशन हैं जिनके अंदर लोगों को इस टाइम पे उन्होंने ये ड्रॉज, ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक ड्रॉज निकालने हैं. तो काफी लोगों को मौका मिलेगा इसके अंदर, बहुत से ट्रेड्स के लोगों को मौका भी मिलेगा आने वाले टाइम पे. ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको भी मौका मिलेगा. आपको इसके बारे में कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप कनाडा में पीयर के तौर पर जाना चाहते हो विद फैमिली, डू कंसल्ट अस. हमारा काफी लंबा एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर और मैं पिछले लंबे समय से एज ए लाइसेंस एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू कैनेडियन इमिग्रेशन. तो इसकी हम आपको एडवाइस भी कर सकते हैं, हम आपको आपके प्रोफाइल को असेस भी कर सकते हैं. जैसे मैंने बताया आने वाला टाइम पे सीआरएस स्कोर और भी नीचे आ सकता है और बहुत से ऐसे लोगों को जो ना उम्मीद होके बैठे हुए थे कि शायद हम एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू कनाडा नहीं जा सकते एंड देवर एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शन लाइक गोइंग एज ए स्टूडेंट और गोइंग थ्रू LMIA और थ्रू अदर कैटेगरीज, उनके लिए एक अच्छा मौका है. सो डू कंसल्ट अस, हमारे नंबर सामने डिस्प्ले हो रहे हैं. अगर मैं आप मिलना चाहते हैं तो प्रायर अपॉइंटमेंट लेकर जलंधर ऑफिस में आप मुझे मिल भी सकते हैं. थैंक यू.